शुभ प्रभात, मैं कर्नल अजय सीईओ ajayastromoneyguru.com से आपसे मुखातिब बताऊं। आज 7 अक्टूबर सन 2021 दोस्तों, सबसे पहले नवरात्र स्थापना और अग्रसेन जयंती के शुभ एवं पावन अवसर पर आज सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके लिए आने वाला सप्ताह शुभ और मंगलकारी हो, ऐसी हमारी कामनाएं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज पर क्या संभावना होगी, कौन सी वो एग्रो कमोडिटीज होंगी जो तेजी दिखाएगी, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हलचल रहेगी और नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी। लेकिन सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान गौर कीजिएगा। क्या बाजार ऊपर जा रहे हो, यदि आपको नुकसान हो रहा हो, या बाजार नीचे जा रहे हो आपको फायदा हो रहा है, तो हम बात करते हैं आपकी प्रॉफिट की, आपके मुनाफे की। सबसे पहले भारतीय ज्योतिष के अनुसार 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, और एक एक तत्व को 3-3 राशियों का स्वामित्व बनाया गया है। 1-5-9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन शुभ और मंगलकारी हो सकता है, और ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। तेजी और तुरंत निर्णय लेना इनके स्वभाव में शामिल होता है। आज लाभ कमा सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 2-6-10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं, धैर्य इनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रहे हैं ग्रह नक्षत्र आपके लिए। लिए गए निर्णय एक बार तुरंत जांच लें, और शॉर्ट टर्म अवधि के यदि ट्रेडर हैं तो मुनाफा तुरंत वसूल कर लें। 3 से 4 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3-7-11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियां हैं। बहुत तेजी से और बहुत लंबा और दूर तक सोचते हैं कि इनकी क्षमताओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में संभवत नहीं है। लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें, बड़े निवेश से सोच समझ पर ही निवेश करें। आपके लिए विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आप एमसीएक्स में काम कर रहे हैं 8 से 9 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4-8-12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं। आपके लिए ठहराव और गंभीरता आपकी विशेषता है। आप आज का दिन आपके लिए मुफीद या शानदार रह सकता है, मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन छोटी अवधि के कारोबारी तुरंत मुनाफा वसूल करें, विशेष ध्यान रखें। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान एवं खतरे के घंटे। अब एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बनती है दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण मसालों के अंदर जिसका सबसे अधिक महत्व माना जाता है वो है हल्दी। मैं कर्नल अजय astromoneyguru.com से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और हल्दी के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। हल्दी आज मजबूती की तरफ अग्रसर हो सकता है। गौर कीजिएगा, पिछले 5-6 महीने से हल्दी के अंदर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी चल रही है। हल्दी के अंदर बड़ी तेजी की संभावना बन रही है और दिवाली तक हल्दी के अंदर अच्छी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं, विशेष ध्यान रखें। स्पॉट यानी हाजिर के व्यापारी हल्दी के ऊपर नजर रख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कमोडिटी है आपकी धनिया, कोरिएंडर। कर्नल अजय astromoneyguru.com की तरफ से आपसे मुखातिब होता हूं, और याद रखिए धनिया जो है पिछले लगभग 2 महीने से काफी कारोबारियों को हैरान परेशान कर रहा है, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर धनिए के अंदर बड़ी तेजी बनेगी। आपको याद होगा हमारे पिछले 3-4 एपिसोड्स के अंदर हम लगातार आपको कह रहे हैं कि स्पॉट के जो धनिया है वो आप त्योहारी मांग बढ़ने की पूरी पूरी संभावना बन रही है, और धनिया का जो इंटरनेशनल मार्केट का जो भाव है वो भारतीय धनिया के मुकाबले काफी अधिक है, और उसका भाड़ा और इम्पोर्ट ड्यूटी और सब चीज लगाने से वो पड़ते में नहीं बैठता है। तो धनिए के अंदर जो हाजिर के व्यापारी हैं वो विशेष ख्याल रखें, संभवतः आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर उनको धनिए के अंदर अच्छा मुनाफा मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों तीसरी कमोडिटी है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है जीरा। कर्नल अजय की जीरे के ऊपर जो राय है, देखिए जीरे के अंदर भी अब धीरे धीरे मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। स्पॉट और एनसीडीएक्स के ऊपर धीरे धीरे धीमी गति से जीरे के अंदर तेजी बनने की संभावनाएं बन रही हैं, और ये एक मसालों का एक अहम हिस्सा माना जाता है जीरा। जीरे की जो स्पॉट की भी खबरें आ रही हैं और उसके मुताबिक जीरे के अंदर स्लो के अंदर भी ये तेजी दिखा सकता है। जीरे के अंदर आने वाले 2 से 3 महीने संभवतः मंदी के नहीं है, इसका विशेष ख्याल रखें। दोस्तों ये था एग्रो कमोडिटीज पर आज की अपडेट।
और अब क्या संभावना बनती है शेयर बाजार में। कल आपको याद होगा शेयर बाजार के अंदर जो हमने स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए थे जबरदस्त तेजी दिखाई। आज नवरात्रा के शुभ अवसर पर एक बार पुनः आपको शुभकामनाओं के साथ जो जो स्टॉक मार्केट के कारोबारी हैं उनके लिए भी ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप नजर रख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो रहेगा आज ज्वेलरी स्टॉक्स पे आप नजर रखिए। नवरात्रा स्थापना पे ज्वेलरी स्टॉक्स के अंदर तेजी बनने की संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के जो बड़े मेजर जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके ऊपर भी नजर रख सकते हैं। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर टाटा मोटर्स पे नजर रखिए, ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया की बन चुकी है, इसके ऊपर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा टू व्हीलर कंपनियां चाहे आप बजाज का देखें या हीरो होंडा हीरो मोटर कॉर्प देखें, इन दुपहिया वाहनों पे भी नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा टायर कंपनियों के अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं, जेके टायर, अपोलो टायर, एमआरएफ टायर, इन पे भी आप नजर रख सकते हैं, इसके अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। तो स्टॉक मार्केट के जो कारोबारी हैं वो इन स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। बैटरीज के अंदर भी जैसे एक्साइड है, अमरा राजा है, इनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। गौरतलब है कि आने वाले एक से डेढ़ महीने के अंदर अभी आप केमिकल, होटल इंडस्ट्रीज, पेंट्स और टी एंड कॉफी स्टॉक्स पे नजर रखेंगे तो आने वाले कुछ समय के अंदर अच्छे मुनाफा कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। दोस्तों नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती है, कल आपने देखा होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर जबरदस्त हलचल मिली। गोल्ड ने बहुत तेजी से नीचे दिखाया, उसके बाद में फिर तेजी से बाउंस बैक किया, जिसकी अनुमान हमने आपको पिछले अपने एपिसोड में दिया था। आज भी हम गोल्ड के अंदर मजबूती की संभावना ही नजर में रख रहे हैं। गोल्ड निचले स्तर के ऊपर आप यदि आपको मिलता है तो उसके अंदर खरीदारी करके ही चलने में भलाई है। दोस्तों आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगता है अपने कमेंट्स अवश्य लिखिएगा आपका आपके कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका कमेंट हमारी पूरी टीम को प्रोत्साहित करता है, उनको मोटिवेट करता है बेस्ट से बेस्ट सर्विस आपके लिए लाने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।